हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगले वीक अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो मंडे को, तो कैसे करें, कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड कहाँ पर हमारा टारगेट होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं पहले। तो जो यूएस की मार्केट है, कल पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई है। डाउ 130 पॉइंट पॉजिटिव और नेसडेक 64 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। यूके की मार्केट भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बंद होके गई है। तो अगर हम देखें पिछले 3 4 5 हफ्तों से जो ग्लोबल मार्केट है बड़ी स्टेबल चल रही है। फेड पॉलिसी आई थी, यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा आया था, वो जब से बेटर हुआ है, जब से अच्छी आई है, पिछले 3 4 हफ्ते से मार्केट बड़ी स्टेबली फ्लोट कर रही है। कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है फ्रॉम ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। अगर हम फ्यूचर्स देखें यूएस मार्केट के, तो वो भी पॉजिटिव थे। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, एक और पॉजिटिव डे हमने देखा। आरबीआई पॉलिसी थी, काफ़ी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन थी, उसमें ऐसा कुछ भी बुरा नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था। और निफ्टी ने अगेन एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, 68 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है 47,000 के, काफ़ी ऊपर कन्विंसिंगली बंद होके गई है। तो बैंक निफ्टी 420 पॉइंट्स पॉजिटिव और निफ्टी 68 पॉइंट पॉजिटिव बंद होके गई है। अब इस पूरी क्लोजिंग में अच्छी और बुरी बात क्या, अच्छी बात यह है कि निफ्टी पॉजिटिव बंद हुई, बुरी बात यह कि 21,000 के नीचे ही बंद हुई। टेस्ट आउट ज़रूर किया 21,000, बट उसे गेन नहीं कर पाई। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, अच्छी बात है। क्लोजिंग में एक और अच्छी बात है कि 47,000 के ऊपर हुई है, 47,500, ये एक रियलिस्टिक लेवल है जो बैंक निफ्टी श्योरली अगले हफ्ते दिखा सकती है। तो बड़ी कन्विंसिंगली स्ट्रांग मार्केट बंद होके गई है। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 21,000 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 47,500 की तरफ तो श्योरली बढ़ रही है। तो ओवरऑल स्ट्रांग है चीज़ है। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद फिर ये आरबीआई पॉलिसी भी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आई है, तो कहीं ना कहीं हम एक प्री इलेक्शन रैली प्री को स्टार्ट कर चुके हैं एक तरीके से। अब कल के मंडे के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्राइडे तो कोई वीडियो आई नहीं थी, तो डायरेक्टली मंडे के लेवल्स देख लेते हैं। तो सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे, जो लेवल्स डिस्कस करेंगे, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक ले सवाल आ सकता है, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो जिसे ये नहीं पता कि भाई डेल्टा क्या होता है, तो ऑलरेडी हम डेल्टा 13 EMA पे डिटेल और सिम्प्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट है 20,600, 20,750 और 900 से 933 का जोन। रेसिस्टेंस है 21,250 से 300 का जोन। ऑप्शन सेलर 21,350 और पुट सेलर 20,700 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट के लिए। मैं एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी होती हो सकती हैं, गैप अप की, गैप डाउन की, फ्लैट की। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो गैप अप की ही नज़र आ रही है। बट गैप अप में 21,000 की एक हर्डल है जो निफ्टी को फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गैप अप में ही देख लेते हैं। तो गैप अप में अगर हम देखें तो गैप अप में हमारा एक लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 21,000 का, ठीक है, जो काफ़ी क्रूशल लेवल है। ये हमारा 21,000 का लेवल आ रहा है, तो यही लेवल प्ले आउट करेगा, इम्पोर्टेंट वर्क करेगा मार्केट के लिए। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली करेंगे। टारगेट 2100 का और 250 से 300 का जोन आ रहा है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप ओआई के डाटा को और ऐड कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। 21,000 पे काफ़ी स्ट्रांग ओआई का डाटा है, वो डिक्रीज होता है कॉल का ओआई, तो वो एडेड कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा। और क्लोजिंग अगर नीचे आए, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। 20,900 से 933 का जोन फर्स्ट और 750 हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा।
तो ये था कि गैप अप के केस में कैसे डील करना है, क्या स्ट्राइक लेनी है, क्या टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस रह गए। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर हम बात करें तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, सॉरी। और स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करना है, तो प्रीमियम आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस कि निफ्टी के गैप अप को कैसे हैंडल करना है मंडे को। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो निफ्टी क्लोज हुई है 20,969 के अराउंड क्लोज हुई है, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो 21,000 का एक लेवल ऊपर आ रहा है, और 900 से 933 का एक जोन आ रहा है नीचे, तो दोनों के बीच में ओपन होगी। अब बीच में ओपन होगी तो हमें वेट करना पड़ेगा सिग्नल का, कि अगर 21,000 राइज होके आए बाइंग सेलिंग सिग्नल दे तो हम पुट बाय करेंगे, फॉल एक्सपेक्ट करेंगे, और नीचे गिर के जोन में आए बाइंग सिग्नल दे तो हम कॉल बाय करेंगे, या 21,000 आए उसका ब्रेकआउट करें। तो फ्लैट के केस में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो हमारा आखिरी केस है, जो है गैप डाउन का, कि गैप डाउन को कैसे डील करना है। गैप डाउन के केस में हमारा 900 से 933 का जोन आ रहा है, और यही जोन हमारा प्ले आउट करेगा। तो 900 से लेकर 933 का हमारा जोन आ रहा है, तो ये जोन ही हमारे लिए वर्क करने वाला है। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। 800 और 750 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 21 का टारगेट हम अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 46.5, 47,000 से 47,015, रेसिस्टेंस है 47.5 एंड 48,000। ऑप्शन सेलर 48,600 और पुट सेलर 45,900 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो जोन आ रहा है, जो लेवल आ रहा है सॉरी, वो 47,500 का ही लेवल है। क्लियर कट बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए। स्ट्रांग लेवल अब गेन कर ले तो अलग बात है। तो 47,500 आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे। 47,600 जस्ट आउट द मनी वाली, 600 और 750 का जोन टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 250 के अराउंड फर्स्ट और आपका 400 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये थी टारगेट की बात, फिर हमने स्ट्राइक की बात कर ली। अब रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो होगा फ्लैट का। फ्लैट में क्लोज हुई है 260 के अराउंड कहीं पर क्लोज हुई है, जस्ट 250 का एक लेवल आ रहा है इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर ही क्लोज देके गई है, जो पॉजिटिव चीज़ है मंडे के लिए। वैसे अगर ओपन होने के बाद सिंपल सी चीज़ है, इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, तो पुट बाय है। 47,100 और 47,000 टारगेट होंगे। और अगर इस पे बाइंग सिग्नल बनाती है तो कॉल बाय है, मतलब मार्केट दोबारा रेडी है 400 और 500 के टारगेट के लिए। तो ये था हमारा फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में आपका लेवल आ रहा है 47,250 का ही आ रहा है, क्योंकि कोई बड़ा गैप डाउन, ह्यूज गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती है। तो अगर इसके कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो पुट बाय। 47,100 और 47,000 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो कॉल बाय। 47,400 और 47,500 हमारे टारगेट होंगे।
तो ये था कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी को गैप अप गैप डाउन और फ्लैट में कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 21,110, रेसिस्टेंस है 21,250 और 21,400। ऑप्शन सेलर कॉल सेलर 21,500 और पुट सेलर 20,750 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था मंडे के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें। और हमेशा इधर एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टिप्स टेलीग्राम चैनल न्यूज़ चैनल के चक्कर में ना रहे। अपनी एनालिसिस का कोई भी तोड़ नहीं है, तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करें अपनी सिंगल हार्ड एंड मनी को लगाने से पहले मार्केट में। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।